हाय गाइस, इससे पहले कि हम लोग आगे कोडिंग पार्ट में जाएं, हमें एक डेटाबेस की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग टेबल्स बनाएंगे। सो डेटाबेस बनाना हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, बट कोडिंग पार्ट में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ आपको सिर्फ ज़ैम्प के थ्रू बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप डेटाबेस आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी सी बातें अगर कर लें तो प्रैक्टिकली तो होता ये है कि डेटाबेस आप यूज़र को बनाने के लिए बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है कि डेटाबेस यूज़र बनाए। हम लोग करते ये हैं कि डेटाबेस बना कर देते हैं, डेटाबेस में टेबल्स बना कर देते हैं, और उसमें सिर्फ यूज़र क्या करता है, उस टेबल में डेटा स्टोर कर सकता है, उस टेबल में डेटा अपडेट कर सकता है, उस टेबल से डेटा डिलीट कर सकता है। ये सारी फैसिलिटीज़ हम अपने एप्लीकेशन में देते हैं, और बहुत ही ऐसा कम केसेस देखा गया है या फिर कम आपको ऐसा करने को मिलेगा जहां आप डेटाबेस क्रिएट करने का जो फैसिलिटी वो किसी एक यूज़र को देंगे, एक टेबल क्रिएट करने की फैसिलिटी एक यूज़र को देंगे। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी सीखेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक खुद का डेटाबेस बना लेते हैं, उसके बाद यूज़र से सिर्फ अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन करवाएंगे। सर्वर आपका स्टार्ट होना चाहिए। मैं ज़ैम्प सर्वर यहाँ से स्टार्ट मतलब यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मुझे अपाचे मरिया डीबी यानी कि मरिया डेटाबेस, PHP और पर्ल मिलता है। मरिया डीबी की जगह MySQL भी है तो भी आपका काम हो जाता है। अगर आप ज़ैम्प यूज़ करते हैं तो मरिया डीबी ही मिलता है। मरिया डीबी और MySQL काफ़ी सिमिलर है, दोनों की क्वेरीज़ लगभग सेम है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसी टेक्निक को। ये पेज आपको तभी दिखाई देगा जब आपका सर्वर रन कर रहा हो। अपाचे सर्वर मैंने जो मेरा ज़ैम्प का जो कंट्रोल पैनल है उसमें मैंने अपाचे सर्वर और MySQL दोनों को स्टार्ट किया, तो दोनों को स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये लोकल होस्ट डैशबोर्ड लिखिएगा तो आपको ये पूरा दिखाई देगा। क्लियर। अब डेटाबेस क्रिएट करने की अगर थोड़ी सी बात करूं तो डेटाबेस क्रिएट आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इस कंट्रोल पैनल में सेल में क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट SQL का जो प्लेलिस्ट है हमारा वो देखा होगा, तो कमांड प्रॉम्प्ट पर ही मैंने सब कुछ सीखा है उसमें कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो सारी क्वेरीज़ को फॉलो करके आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर लिखना ये है, यहाँ लिखिएगा MySQL और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये MariaDB ओपन करके देगा। उसके बाद आप यहां से क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और जो बाकी क्वेरीज होती हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस टेबल या फिर जो भी, वो सारी चीज़ें आप यहां से रन कर सकते हैं और आसानी से अपना डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और बाकी की क्वेरीज यहां रन करके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग ये नहीं करने वाले हैं, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। अगर आपने मेरा स्कूल का प्लेलिस्ट देखा होगा तो इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप PHP MyAdmin इंटरफेस यूज़ कीजिए। ये जब आपका ओपन हो जाए डैशबोर्ड, उसके बाद PHP MyAdmin में जाइए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, अगर ये 120% 125% में होता है होप कि आपको ठीक से दिखाई देगा। PHP MyAdmin में जाइए। मैं डेटाबेस क्रिएट करने से पहले थोड़ा सा एक आपको इंट्रोडक्शन इसका करवा देता हूँ, एक डेमो थोड़ा सा। यहाँ एक होम बटन है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर होम बटन, थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं इसको। ओके, देखिए यहाँ पर होम बटन है, ठीक है। आप कहीं भी रहें, आपको वापस से इसी पेज में आना है, तो इसे होम बटन में क्लिक कीजिएगा, आप होम में चले आएंगे। ये आपका एम्प्टी सेशन डेटा है, और यहाँ से ये मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ एक दो चीज़ें जानी। यहाँ से होम है, ठीक है। होम में अगर आपको कहीं वापस से फिर से आना हो तो ये होम बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ आप जो भी डेटाबेस बनाते हैं वो सारे डेटाबेस का यहाँ आपको लिस्ट दिखाई देता है। जैसे कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक डेटाबेस है इन्फॉर्मेशन स्कीमा, एक डेटाबेस है MySQL का, और एक डेटाबेस परफॉर्मेंस स्कीमा का बना हुआ, एक PHP MyAdmin का डेटाबेस। ये सारे डेटाबेस यहाँ बने हुए हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर का टेबल दिखाई देगा, और टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो उसका टेबल का डेटा दिखाई देगा। ये सारे डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, ये हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट में मिलता है। ओके, यहाँ डेटाबेस सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि कौन सा सर्वर आपका चल रहा है, किस चीज़ पे, सर्वर टाइप क्या है आपका, और सर्वर का वर्जन क्या है, क्या प्रोटोकॉल है, कौन सा यूज़र अभी लॉगिन है, रूट यूज़र अभी लॉगिन है। और यहाँ वेब सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ आपको PHP MyAdmin से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद ये आपका डेटाबेसेस, यहाँ आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डेटाबेसेस यहाँ भी आपको लिस्ट दिखाई देगा कि कौन कौन सा डेटाबेस आपका बनाया हुआ है, और इसका कॉलिशन और एक्शन वगैरह जो है, प्रिविलेज वगैरह, यहाँ सब चेंज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये जो SQL का टैब है, यहाँ आप जो जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में जो क्वेरीज लिख कर रन करते हैं, वही क्वेरीज आप यहाँ भी लिख कर और गो में क्लिक करेंगे तो वो रन हो जाएगा, ठीक है। स्टेटस, ये आपको स्टेटस दिखाएगा। यूज़र अकाउंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा यूज़र आपका बना हुआ है, साथ में यहाँ से आप न्यू यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतना अभी हम लोग देखेंगे नहीं।
बस यहाँ से देख लीजिए कि हाँ ये यूज़र है हमारा, हमारे पास अभी सिर्फ एक ही यूज़र है रूट, जिसका पासवर्ड कुछ भी सेट नहीं है और इसको सभी प्रिविलेजेस दी गए, यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट सभी सभी ऑपरेशन ये आसानी से कर सकता है। देन डेटाबेस को एक्सपोर्ट करने का टैब है, इम्पोर्ट करने का टैब है, और एक थोड़ा बहुत सेटिंग है और बाकी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में किसी सेपरेट वीडियो में जानेंगे। सो वापस से आते हैं डेटाबेस में। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस मिलते हैं। हमें क्या करना है कि हमें एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है जिस पर हम काम कर सकें और अपना जो कोडिंग है आगे का वो हम लोग देख सकें। एक तरीका यहाँ ये है कि आप यहाँ डेटाबेस का नाम लिखिए और क्रिएट में क्लिक कीजिए, आप डेटाबेस बना सकते हैं। एक तरीका यहाँ ये है कि यहाँ जो न्यू लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए तो ये वापस आपको इसी पेज पर लैंड करवाएगा और यहाँ आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है। तो मैं अपने डेटाबेस का नाम लिख रहा हूँ test_db, ये हमारा अपना डेटाबेस बना हुआ है। और यहाँ आप चूज़ कर सकते हैं इसका जो UTF, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर रहने देंगे तो ये ऑटोमेटिक ये ले लेगा UTF-8_bin, आपको ये चूज़ करना है एक्चुअली में। तो चलिए देख लेते हैं यहीं कहीं होगा, देखिए UTF-8 bin यहाँ मैंने ये चूज़ किया और इसको मैंने क्रिएट में क्लिक किया तो हमारा यहाँ देखेंगे कि एक नया डेटाबेस यहाँ बनकर आपको दिखाई देने लगता है test_db का। एक टेबल बनाते हैं, याद रखिएगा कि जिस भी डेटाबेस में आपको टेबल बनाना है वो डेटाबेस आपका पहले सेलेक्ट होना चाहिए। तो मैंने इस test_db में बनाना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि डेटाबेस test_db में अभी आप हैं। टेबल का नाम मैं स्टूडेंट रख रहा हूँ और हमारा जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 4 ही होगा। आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। 4 मैंने लिखा हुआ बिकॉज मुझे एक ID के लिए कॉलम चाहिए, एक नेम के लिए, एक रोल नंबर के लिए और चौथा हमारा एड्रेस के लिए। 4 कॉलम लिखने के बाद आपको यहाँ गो में क्लिक करना है और इस गो में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कॉलम का क्या क्या नाम रखना है वो सारे डिटेल आपको यहाँ फिल करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मुझे पहला वाला जो है वो ID रखना है और इसका जो डेटा टाइप है वो इंट ही रखना है और डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं भरते हैं। और हमारा यहाँ जो इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ लेफ्ट टू राइट, और ये ID जो है मैं चाहता हूँ कि ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि 1 2 3 4 ऑटो इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए मैंने इसको चेक किया। जब ऐसे ही आप इसको चेक करते हैं आपको ये पूछता है कि क्या आप इस चीज़ को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो मैंने कहा हाँ जी इसको प्राइमरी की आपको बना देना है। तो ये प्राइमरी की हमारा सिलेक्ट यहाँ से हो जाता है। बाकी इसमें आपको कुछ भी और बाय डिफ़ॉल्ट सभी को रहने देना है, कुछ भी और चेंज नहीं करना है। दूसरे कॉलम में आते हैं, दूसरे कॉलम का जो नेम होगा वो नेम होगा, तो मैंने नेम लिखा और इसका जो टाइप होगा वो वायर कैर होगा। इसका आप लेंथ या वैल्यू या फिर साइज़ जो कहते हैं उसको दे सकते हैं, मैंने 255 दे दिया है। और बाकी सारी चीज़ें जो है डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, इसमें कोई भी हमें चेंज करने का सकता नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी ये ऑटोमेटिक आपको बनाकर दे देगा। नेक्स्ट कॉलम का नाम हमारा रोल है तो मैंने रोल लिख दिया, ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप का होगा, बाकी सारी चीज़ें हम लोग डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। और हमारा यहाँ जो है वो एड्रेस नाम का एक कॉलम होगा, एड्रेस नाम का कॉलम जो होगा वो हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट रहने देते हैं बिकॉज़ ये काफ़ी लंबा हो सकता है एड्रेस आपका, तो मैंने इसको टेक्स्ट लिख दिया हुआ है। ओके और बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ओके सो इतना करने के बाद आपका एक ID कॉलम तैयार हो जाता है, नेम, रोल और एड्रेस। तो आपको फाइनली क्या करना है कि प्रीव्यू SQL में क्लिक करेंगे तो आपको ये जो क्वेरी आप वहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हैं वो ये लिख कर देता है आपको, आपको लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ती, बस आपको क्लिक करना है और ये लिख कर आप अगर इसको कॉपी करके कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर इसको पेस्ट करके और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें यूज़र इंटरफेस मिल जाता है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेव में क्लिक करेंगे और हमारा ये टेबल इन कॉलम्स के साथ बनकर हमें मिल जाता है। देखिए ID कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम वारकर डेटा टाइप के साथ है, रोल इंट के साथ है, एड्रेस टेक्स्ट के साथ है, और ये सारी चीज़ें जो ये ऑटोमेटिक हमें इसके द्वारा चूज़ करके दे दी गई हैं। अगर कोई और टेबल आपको बनाना है तो आप यहाँ न्यू में क्लिक करके एक और टेबल इसी डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक हम लोग फिलहाल अभी देख लेते हैं, यही टेबल हमारे पास है। याद रखिएगा हम लोगों ने एक test_db नाम का डेटाबेस बनाया है, उसके अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाया है जिसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं। अब इस कॉलम्स के अंदर हम लोग डेटा फिल करेंगे, यानी कि टेबल के अंदर में डेटा फिल करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको इस इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद याद रखिएगा कि आपका टेबल सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि test_db के अंदर टेबल हमारा कौन सा सेलेक्ट है, स्टूडेंट नाम का। सो पहले कॉलम में
फंक्शन कुछ भी नहीं, लेकिन पहला जो कॉलम है आईडी नाम का वो ऑटो इंक्रीज होगा, तो इसमें हमें कुछ भी फिल करने का आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नेम वाले कॉलम में आपको नेम लिखना है, तो मैंने लिखा यहाँ, मैंने लिख दिया राहुल नाम, और इसका रोल नंबर आपको लिख देना है, तो रोल नंबर मैंने 101 लिखा, और एड्रेस हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसका रांची। ये पहला कॉलम फिल हो गया, ये, और हम लोग इसके नीचे आते हैं और ये हमारा दूसरा कॉलम यहाँ है। तो दो ही हम लोग आइटम लिखते हैं, ठीक है। आईडी जो है वो ऑटोमेटिक हमें बना कर देगा, और नेम हम लोग फिल करते हैं। नेम मैं रोहित लिख देता हूँ, ये नहीं फिल करना बिकॉज ये ऑटो इंक्रीमेंट है आईडी हमारा, और रोल नंबर इसको मैं 102 दे देता हूँ, और इसका एड्रेस हम लोग कर देते हैं दिल्ली। और सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ गो में एक बार क्लिक करना। आप चाहें तो इसका भी इसके लिए वो देख सकते हैं, यहाँ से गो में क्लिक करते हैं और आपको ये कहेगा कि टू रो इंसर्टेड, और आपका दो रो इंसर्ट हो जाता है। ये पूरा का पूरा यहाँ से क्वेरी ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये क्वेरी से आपका रन किया हुआ, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी और क्लिक नहीं करना है, आपका दो रो इंसर्ट हो चुका है। अगर आप वापस से यहाँ गो में क्लिक कर देंगे तो दो और इसी सेम चीज़ क्लिक हो, मतलब इंसर्ट हो जाएगा, सेम नेम का, सेम रोल नंबर का। सो कैसे इसको देखना है, देखना है तो आपको यहाँ क्लिक कीजिए अपने टेबल में, स्टूडेंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि आपका आईडी में 12 यहाँ देख पाएंगे, नेम राहुल रोहित, और रोल 101 102, और एड्रेस दोनों का दिखाई दे रहा है। तो ये आपका टेबल का डेटा है, ठीक है। इसको अगर कमांड प्रॉम्प्ट में आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से सेल में जाकर, सेल में गया मैं, और हम लोग MySQL लिखते हैं। देखिए सारा कुछ हो चुका है, ठीक है। आपने टेबल डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, टेबल क्रिएट कर लिया, टेबल के अंदर आप लोगों ने ये डेटा रख दिया, हमारा काम खत्म हो जाता है। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग कनेक्शन बनाना सीखेंगे और इस डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन से, वो सारी चीज़ सीखेंगे, ये हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में इसको देखना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो आपको सेल में क्लिक करने के बाद ये जो विंडो मिलता है, इसमें MySQL लिखिए और इंटरफेस की जब कोई MariaDB में लेकर जाएगा, यहाँ आप शो डेटाबेसेस में से डेटाबेस देख सकते हैं कि कौन कौन सा, सॉरी, शो डेटाबेस, हमारा जो शो डेटाबेस, तो यहाँ आप डेटाबेस देख सकते हैं कि आपका जो डेटाबेस है वो TestDB है। तो आप इस TestDB को यूज़ कर लीजिए, यूज़ TestDB डेटाबेस का नाम, और ये डेटाबेस चेंज करके उसको यूज़ कर लेता है। अगर आप यहाँ शो टेबल्स करेंगे तो ये आपको टेबल बताएगा कि कौन कौन सा टेबल है। तो स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, अब इस टेबल में सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का जो नाम है स्टूडेंट, इंटरफेस करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आईडी 12, नेम राहुल रोहित, और 101 102, और रांची और दिल्ली। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से डेटा फेच करवा सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखने के लिए, प्रोग्रामर के लिए है, ये वेरीफाई करने के लिए आपका सब कुछ सही से हुआ है या नहीं। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट का जो गेम है, ये हम लोग SQL वाले प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ भी थोड़ा सा डेमो दिखा दिया, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, यहाँ पर जो हम लोगों ने काम किया क्लिक करके, वही काम आप यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। सारी क्वेरीज लिखिए मैन्युअली और आप डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, इंसर्ट इनटू के द्वारा इस टेबल में डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको पता होंगी। इसको एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट लिख कर, और इसको भी हम लोग एग्जिट कर देते हैं। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप डेटाबेस बना सकते हैं एक अपना, उसमें के अंदर हम लोगों ने एक टेबल बनाया है और उस टेबल के अंदर हम लोगों ने कुछ डेटा रखा हुआ, फिलहाल के लिए दो डेटा है। सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आप इस, ये जो डेटाबेस हमने बनाया है TestDB का, ये डेटाबेस कैसे आप एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और डेटा इंसर्ट करना, यूज़र कैसे इंसर्ट कर, यहाँ तो हम लोगों ने यहाँ आकर इंसर्ट किया, लेकिन यही चीज़ हम लोग अपने एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ से डेटा, जहाँ डेटा यूज़र फिल करेगा, जैसे कि एक फॉर्म होता है, आप लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा बहुत सारा, तो एग्ज़ाम फॉर्म होता है वो फॉर्म सबमिट हो जाता है डेटाबेस में आकर, यानी कि यहाँ आकर। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में धीरे धीरे करके वन बाय वन देखेंगे। सो बस इस वीडियो में इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।